हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम शिवाजी के विषय में है वो चर्चा करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से दक्षिण के अंदर शिवाजी के अधीन है वो मराठा शक्ति का उदय होता है, और दक्षिण के अंदर मराठा राज्य की, स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना का श्रेय है वो शिवाजी को जाता है। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि औरंगजेब के समय में दक्षिण के अंदर तीन प्रमुख शक्तियां थी, बीजापुर थी, गोलकुंडा और मराठा था। हालांकि औरंगजेब है वो वैचारिक मतभेद के कारण से है, वो बीजापुर और गोलकुंडा की शक्ति का दमन करना चाहता था, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा शिया संप्रदाय को मानने वाले थे, जबकि औरंगजेब है वो सुन्नी था। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा के जो शासक हैं, जो सिकंदर आदिल शाह और अबुल हसन है, वो ईरान के शाह के प्रति अपने स्वामी भक्ति रखते थे, तो ऐसी स्थिति में उनका दमन करना आवश्यक था। तो आपने देखा कि किस तरह से औरंगजेब ने दक्षिण के अंदर बीजापुर और गोलकुंडा है वो दोनों की शक्ति का दमन किया। 1686 में बीजापुर का और 1687 में गोलकुंडा का उन्होंने दमन कर दिया, और किस तरह से दोनों को, बीजापुर और गोलकुंडा को, मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। अब दक्षिण के अंदर जो तीसरी प्रमुख शक्ति थी, आप जानते हैं कि वो शिवाजी थे, और शिवाजी एक तरह से इनका प्रारंभिक इनका जो प्रारंभिक जीवन है, जो प्रारंभिक इनका जो 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 प्रारंभिक जो कार्य है, वो एक जमींदार के रूप में से, एक जमींदार के रूप में इनकी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं शिवाजी के बारे में, कि इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था, और इनके पिता शाहजी भोसले थे, जो पहले अहमदनगर और उसके बाद में बीजापुर के यहाँ उन्होंने एक तरह से, वहाँ उन्होंने सेवा दी थी, और वहाँ उनको बीजापुर के जो शासक सुल्तान आदिल शाह से पूना की एक जागीर मिली हुई थी। और इनकी माता, आप जानते हैं कि जीजाबाई था, और उनका शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो जीजाबाई का था, और उसके बाद में दादाजी कोंडदेव का था। तो जो दादाजी कोंडदेव थे वो उनके गुरु और संरक्षक थे, और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो गुरु रामदास थे, ये आप जानते हैं। शिवाजी की जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि शिवाजी ने अनेक विवाह किए थे, जिसमें 1640 में उनका जो प्रमुख विवाह है साईबाई निमालकर के साथ हुआ था, जो उनकी प्रिय पत्नी थी। लेकिन 1659 में है उसकी मृत्यु हो जाती है, और उस समय जो शाहजी भोसले है को बीजापुर के सुल्तान की ओर से पूना की जागीर मिली थी, जैसे मैंने आपको बताया। और बाद में जो शाहजी भोसले हैं, उसने, जो शिवाजी के पिता थे, उन्होंने एक दूसरी शादी तुकोबाई मोहते से कर ली थी। जब तुकोबाई मोहते से उन्होंने शादी कर ली, जो शाहजी भोसले ने, तो ऐसी स्थिति में जो शिवाजी था और उनकी जो माता जीजाबाई है, उनको शाहजी भोसले ने वो पूना के किले में रख दिया, और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, शिवाजी की शिक्षा दीक्षा के लिए वो दादाजी कोंडदेव को है वो नियुक्त कर दिया, जो कि उनके एक तरह से हैं वो उनके संरक्षक और गुरु भी थे। तो शिवाजी ने अपनी जो जो प्रारंभिक जो कार्यस्थली है, जो वर्किंग प्लेस है, वो मावली प्रदेश को बनाया। और शिवाजी के विषय में ये भी कहा जाता है कि उनके जो पंडित हैं, उन्होंने जो शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना कर दिया कि आप पहले क्षत्रिय साबित करें। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जो गंगा भट्ट है, उन्होंने एक तरह से ये साबित किया कि शिवाजी है वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। तो आप जान सकते हैं कि शिवाजी का संबंध वैसे मेवाड़ से, राजस्थान से, जो हमारे लिए फख्र की बात है। शिवाजी जो जो प्रारंभिक कार्य हैं, जो शिवाजी और मुगलों के विरुद्ध है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जो संघर्ष है, उसका जो प्रमुख कारण ये होता है, क्योंकि औरंगजेब है वो एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, और भारत की प्रमुख शक्तियों को अपने अधीन लाना चाहता था, और उसने ये किया भी। लेकिन शिवाजी, औरंगजेब ने शिवाजी की शक्ति का एक तरह से गलत आकलन किया, और वो एक तरह से उसको मुगलों के एक जागीरदार है वो समझ रहे थे, कि मुगलों के अधीन एक जागीरदार ही है। लेकिन शिवाजी है वो स्वरूप प्रारंभ से ही बड़े महत्वाकांक्षी थे, और वो मुगलों के अधीन रह करके है वो कार्य नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो एक महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहते थे। वो एक बार आगरा जब जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो औरंगजेब से मिलते हैं, लेकिन जब उनको लगा कि वो एक औरंगजेब है, वो स्वतंत्र शासक है, उसको स्वीकार नहीं करेगा दक्षिण का, तो ऐसी स्थिति में वो भाग करके वापस आ जाते हैं। तो शिवाजी का जो
जो जो जो संघर्ष है, संघर्ष का जो मुख्य कारण है वो एक तरह से मुस्लिम्स के विरुद्ध नहीं था। शिवाजी का जो जो विरोध है वो मुगल शासकों के विरुद्ध था, क्योंकि मुगल शासक है वो सभी शासकों को है, वो दक्षिण के जो सभी शासकों को अपने अधीन रख करके वो शासन का संचालन करना चाहते थे, लेकिन शिवाजी को ये मंजूर नहीं था। और शिवाजी एक तरह से है, एक तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक स्वतंत्र राज्य की, मुगलों से स्वतंत्र, मुगलों के अधीन न रह करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और इसके लिए उनको औरंगजेब से वो संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन वो अपने इस कार्य के अंदर, इस महत्वाकांक्षा के अंदर वो सफल भी रहते हैं। तो शिवाजी के जहाँ तक हम प्रारंभिक सैनिक अभियान की हम चर्चा करते हैं, तो शिवाजी ने 1643 में है वो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह है उसे किस प्रकार है वो सिंहगढ़ का दुर्ग प्राप्त कर लिया। उसके बाद में ही है शिवाजी ने 1646 में शिवाजी ने तोरण के दुर्ग है वो बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त कर लिया, और रायगढ़ का किला है वहाँ निर्माण करवाया वहाँ पे, और किस तरह से 1647 में शिवाजी ने चामन और विशालगढ़ और बीजापुर के विशालगढ़ का किला वो बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया। तो शुरू के अंदर वो बीजापुर और गोलकुंडा जो प्रमुख शक्ति थी औरंगजेब के समय में, तो बीजापुर को एक प्रकार से एक दुर्बल था, और उसको वहाँ उनसे बीजापुर के सुल्तान से वो काफ़ी है वो एक तरह से है वो उनके उनके काफ़ी प्रदेश है, बीजापुर के काफ़ी प्रदेशों पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में आगे हम देखेंगे बीजापुर के सुल्तान किस तरह से शिवाजी की शक्ति दमन करने के लिए वो अफजल का है उसको एक तरह से भेजता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से क्या कि शिवाजी है वो 1647 में चामन और विशालगढ़ बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में जो शिवाजी है वो 1648 के अंदर नीलोजी नीलकंठ है उससे किस प्रकार से है वो पुरंदर का किला है वो प्राप्त करते हैं छलकपट से है, और 1656 के अंदर है वो शिवाजी है चंद्र राव मोरे से है वो जावली का किला प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से शिवाजी है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति का अर्जन कर रहे थे, किस तरह से अपने एक साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। और 1657 के अंदर है आप देखते हैं कि सांझा के समय में शिवाजी ने मुगलों के प्रदेश और जुन्नार पर आक्रमण किया है ना, तो मुगलों से भी संघर्ष कर रहे हैं, एक तरह से बीजापुर है और गोलकुंडा है अहमदनगर उनसे भी एक तरह से संघर्ष है वो जारी रखते हैं, और वहाँ से वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन बाद में जब मुगलों के साथ संधि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बीजापुर के साथ है वो ऐसा नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बीजापुर के काफ़ी प्रदेशों को शिवाजी ने अधिकार कर लिया था, तो ऐसी स्थिति में बीजापुर का जो शासक जो था, जो सुल्तान था बीजापुर का, उसने 1659 के अंदर जो बीजापुर का सुल्तान जो जो आदिल शाह था उसने अफजल खां को है वो अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी की शक्ति के दमन के लिए भेजा, और जो अफजल खां है वो प्रतापगढ़ के पास है एक पहाड़ नामक गांव है, वहाँ पर अफजल खां और जो क्या कहना चाहिए शिवाजी के बीच में वो संघर्ष होता है, और इसमें एक तरह से आप जानते हैं कि शिवाजी है वो अफजल खां का वध कर देते हैं। तो बीजापुर के सुल्तान का वध करना है वो शिवाजी के द्वारा है, वो एक महत्वपूर्ण है वो घटना मानी जाती है, या शिवाजी का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, इससे इसकी प्रतिष्ठा के अंदर वृद्धि होती है। जब बीजापुर के सुल्तान के साथ सेनापति के साथ इस तरह से किया, तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब को जब पता चला, औरंगजेब भी दक्षिण के अंदर है वो अपने शक्ति का प्रसार करना चाहता था, तो उसने क्या है कि दक्षिण के अंदर है वो 1660 के अंदर औरंगजेब ने है वो शाइस्त खां को है वो दक्षिण का गवर्नर बनाया, और जो शाइस्त खां है उसको शिवाजी की शक्ति का दमन करने का दायित्व वो सौंपा। तो शाइस्त खां ने पूना के किले पर अधिकार कर लिया था, और जो जो शिवाजी ने जो शाइस्त खां पर है वो 5 अप्रैल 1663 को आधी रात्रि पर आक्रमण किया, और उस समय जो किले का जो पहरेदार था, जो पूना के किले का जो पहरेदार था उस समय जसवंत सिंह था, और जो जो शाइस्त खां है वो भाग जाता है, लेकिन वो अपने एक पुत्र को गंवा देता है और अपनी तीनों उंगलियां उसको गंवा देता है। लेकिन जब शाइस्त खां है इस अभियान के बाद में शाइस्त खां की शक्ति का तो दमन कर देता है, लेकिन शाइस्त खां भाग जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जब औरंगजेब के पास जाता है शाइस्त खां, तो औरंगजेब उससे बड़ा नाराज होता है और उसको दक्षिण के गवर्नर से हटा देता है, हटा करके उसको बंगाल का गवर्नर वो बना देता है। तो इससे मुगल सेनाएं शिवाजी के एक तरह से मुगल सेना के अंदर शिवाजी का एक तरह से आतंक फैल जाता है, और मुगलों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, और औरंगजेब ने मिर्जा राजा सिंह को दक्षिण का गवर्नर है वो शाइस्त खां के स्थान पर है वो बना देता है, और जैसे मैंने बताया कि शाइस्त खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है, और जसवंत सिंह के स्थान पर शाहजादा मुजम है उसको फौजदार है वो नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो शाइस्त खां है पर जो रात्रि आक्रमण 1663 में शिवाजी ने किया, और शाइस्त खां की शक्ति का एक तरह से, ये औरंगजेब का मामा ही था शाइस्त खां, तो औरंगजेब की जो जो एक तरह से शाइस्त खां की शक्ति शाइस्त खां की शक्ति का दमन करता है, तो इससे एक तरह से शिवाजी की प्रतिष्ठा उसके अंदर वृद्धि होती है। इसके बाद में शिवाजी है वो
1664 के अंदर गुजरात का एक तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था सूरत, है ना, जो मुगल साम्राज्य का भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, उसको वो लूटता है और 1664 और 1670 में दो बार लूटता है, और उस लूट से जो धन प्राप्त होता है वो अपने अपनी आवश्यकता की पूर्ति है छिनोकियों को वेतन देने में लगाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर आर्थिक संसाधनों का अभाव था, तो लूटमार के द्वारा ही है वो उसकी बाध्यता थी, लूटमार के द्वारा ही वो अपने सैनिकों का और अपने प्रशासन का खर्चा वो उठाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो औरंगजेब ने है वो एक प्रकार से जो शाहिस्तान के स्थान पर जब मिर्जा दादा जयसिंह को दक्षिण का गवर्नर बना दिया जो 1665 में, और उसको जैसे मैंने बताया कि शिवाजी को शक्ति कुचलने का जो दायित्व सौंपा, तो मिर्जा दादा जयसिंह ने अपनी कूटनीति और रणकौशल से शिवाजी को घेर लेता है वो, है ना, क्योंकि बड़ा कूटनीतिक था। और मिर्जा दादा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से भी संधि कर ली, क्योंकि उसको पता था कि बीजापुर और ये जो एक तरह से शिवाजी मिल नहीं जाए तो उनकी स्थिति को खतरा हो सकता है, तो उसे संधि कर ली। और शिवाजी ने देखा कि अब पुरंदर के किले को बचाना बड़ा मुश्किल है, है ना, तो इसलिए वो शिवाजी है वो 22 जून 1665 को एक संधि कर लेता है शिवाजी, और ये शिवाजी और मिर्जा दादा जयसिंह के बीच में 22 जून 1665 को होती है, जो इतिहास में महत्वपूर्ण है। और इसके द्वारा क्या होता है कि शिवाजी ने मुगलाधीनता स्वीकार कर लेता है एक बार, क्योंकि उसको लगता था कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, और शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से है वो मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट मिल जाती है। लेकिन इस संधि में ये प्रावधान किया गया कि शिवाजी का पुत्र संभाजी है उसको 5,000 सैनिकों के साथ वो मुगल सेवा में रहना पड़ेगा। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि शिवाजी ने 35 किलों में से 23 किले और उससे जुड़ी जो 4,00,000 जो हूण है की जो आय का जो प्रदेश है वो मुगलों को सौंपना पड़ा, तो ये शिवाजी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शिवाजी ने जो 35 किले जीते थे उसमें से 23 किले हैं वो वापस मुगलों को देना पड़ा, और जो 12 किले हैं और उससे जुड़ी 1,00,000 हूण की आय का जो प्रदेश है वो शिवाजी के पास रहा। तो एक तरह से इसमें इस संधि से एक तरह से क्या है कि मुगलों की शक्ति में वृद्धि होती है और शिवाजी की शक्ति में एक तरह कमी देखने को मिलती है। तो अगर मुगल इसमें संधि में एक प्रावधान यह था कि अगर मुगल है वो बीजापुर पर आक्रमण करेंगे तो शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करेंगे, तो इस तरह से बीजापुर के विरुद्ध उन्होंने अपना खड़ा कर लिया, जो एक तरह से शिवाजी को अपना एक तरह से सहयोगी बना लिया पुरंदर की संधि के अंदर। और जो इस संधि का जो महत्व, जैसे आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत है वो शिवाजी मुगल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपने राज्य का 2/3 भाग वो मुगलों को सौंप देते हैं। तो एक प्रकार से ये जो पुरंदर की संधि है वो एक महत्वपूर्ण संधि थी, हालांकि इसमें शिवाजी का पलड़ा है वो कमज़ोर था, लेकिन शिवाजी इस संधि से वो निरुत्साहित नहीं होते हैं और वो वापस वो बाउंस पैक करते हैं और एक एक कर करके वो पूरे किले वो दोबारा जो किले मुगलों को दिए थे वो दोबारा छीनना प्रारंभ करते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जब ये पुरंदर की संधि हो जाती है उसके बाद के अंदर है वो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वो आगरा चले मेरे साथ, मतलब शिवाजी के जो मिर्जा राजा जयसिंह के साथ, और औरंगजेब से मिले, और औरंगजेब बहुत भला इंसान है वो उसको माफ़ कर देगा और शायद दक्षिण का गवर्नर भी बना देगा। ये लालच देकर के है एक प्रकार से है वो जो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी को वो औरंगजेब से मिलाने के लिए आगरा वो ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके दो उद्देश्य थे, जो एक तरह एक, 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 एक इसके जो जो पर्पज़ था मिर्जा राजा जयसिंह का, ये पर्पज था कि मिर्जा राजा जयसिंह है वो बीजापुर पर आक्रमण करना चाहता था, और इसलिए वो एक कूटनीतिक था, वो चाहता था कि जब बीजापुर पर मुगल आक्रमण करेंगे तो ऐसी स्थिति में दक्षिण के अंदर है वो शिवाजी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह को विश्वास ये विश्वास नहीं था कि वो बीजापुर का वो सहयोग नहीं करेंगे। हालांकि पुरंदर की संधि में प्रावधान था, लेकिन संधि को माने या नहीं माने ये कोई जरूरी नहीं था। तो इस एक तो कारण ये था, दक्षिण से वो एक उत्तर के अंदर है वो आक्रमण करते वक्त उत्तर में रहे, एक तो ये पर्पज था, और दूसरा पर्पज ये था कि मिर्जा राजा सिंह है वो मिर्जा राजा सिंह के मुगल दरबार में उसके विरोधी गुट भी थे, उनको ये बताना चाहता है कि वो कितना शक्तिशाली है, और वो एक शिवाजी जैसे एक शक्तिशाली मराठा सरदार है उसको उसकी शक्ति को उसने कुचल दिया। तो इन दो उद्देश्यों को लेकर के मिर्जा राजा जयसिंह है वो एक प्रकार से शिवाजी को आगरा औरंगजेब से मिलाने के लिए वो ले जाता है, और जो 22 मई 1666 को शिवाजी मुगल दरबार के अंदर है वो औरंगजेब से मिलते हैं, परंतु शिवाजी को कोई भी इस मुगल दरबार के अंदर है वो शिवाजी को कोई रिसीव करने नहीं आया, और मुगल दरबार में शिवाजी को कोई प्रॉपर उनको एक रिगार्ड नहीं मिला, और शिवाजी ने भरे दरबार में ऐसी स्थिति में शिवाजी ने भरे दरबार में मुगल सम्राट का वो विरोध किया, और इस ऐसी स्थिति में शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है, मुगल सेना शिवाजी को बंदी बना लेता है और शाही अधिकारियों को चकमा देकर के, लेकिन शिवाजी शाही अधिकारियों को चकमा देकर के वो शिवाजी है वहाँ से भाग निकलते हैं, और इस प्रकार से पुरंदर की संधि है वो रद्द हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि शिवाजी है वो बहाना बनाता है कि वो बीमार है और ऐसी स्थिति के अंदर है,
वो बीमारी से ठीक हो गया है और ठीक होने के पश्चात वो लोगों को दान पुण्य देना चाहता है, तो ऐसी तरह से मिठाई के टोकरे में बैठ करके वो किस तरह से हैं, आगरा से मथुरा जाते हैं, फिर इलाहाबाद, फिर बुंदेलखंड, फिर गोडवाना, फिर गोलकुंडा और पुणे, वापस पुणे है वो, एक तरह से है वो शिवाजी है वो आ जाते हैं। तो शिवाजी का जो आगरा जो की यात्रा है वो एक तरह से सफल नहीं रहती है, लेकिन शिवाजी की समझदारी से है वो वापस मुगल कैद से वो निकल भागते हैं और वापस शिवाजी है वो एक तरह से पुणे आ जाते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में ये भी रखनी है कि शिवाजी को जब बंदी बनाया गया तो ऐसी स्थिति में शिवाजी को 18 अगस्त 1666 तक है वो राम सिंह के देखरेख के अंदर जयपुर भवन में रखा गया। तो कई बार पूछ लेते हैं कि शिवाजी को वो कहाँ रखा गया, और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि शिवाजी ने क्षत्रिय है, महाराजा है और सियासन धीर है और धन छत्रपति है, इसकी उपाधि धारण की शिवाजी कौन कौन सी उपाधियाँ थी, इसके बारे में आप जान सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मिर्जा जो आपका मिर्जा राजा जय सिंह है उसकी बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जसवंत सिंह जो जो औरंगजेब है वो जसवंत सिंह और मुजम को है वो औरंगजेब दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करता है और इन दोनों के माध्यम से है वो शिवाजी वो माफ़ी मांग लेता है औरंगजेब से, और बादशाह औरंगजेब है वो शिवाजी को क्षमा कर देता है और इस अवसर पर शिवाजी को औरंगजेब है वो राजा की उपाधि देता है और उसका लड़का जो संभाजी है उसको 5,000 का मनसब और बरार की जागीर है वो भी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से शिवाजी 1667 के अंदर ये जो मुगल संधि होती है ये भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके अंतर्गत है वो शिवाजी को वो माफ़ कर दिया जाता है। तो 1667 में मुगल संधि से लेकर के 1670 तक शिवाजी है ने एक मराठा जो प्रशासन का गठन किया, जिसके बारे में शिवाजी के प्रशासन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट व्याख्यान के अंदर है। तो 1670 से 1670 तक शिवाजी ने एक दूसरा काम ये किया कि 1770 पहले तो मराठा प्रशासन 1667 से 70 तक मराठा प्रशासन का गठन किया, जिसके बारे में अपन अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। और दूसरा उन्होंने क्या कार्य किया कि 1670 से 1674 तक शिवाजी ने जो मुगलों से जो 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 पुरंदर की संधि के अंदर जो किले सौंपे थे 23 किले 35 किलों में से 23 किले सौंप दिए थे, तो उन किलों को एक एक करके जीतना शुरू कर दिया था और जीत करके फिर 1674 के अंदर है 16 जून 1674 को रायगढ़ के अंदर है वो शिवाजी है वो अपना राज्याभिषेक हिंदू पद्धति से करवाते हैं। और इस राज्याभिषेक के अंदर बनारस के पंडित गंगा भट्ट है वो इसके इनके राज्याभिषेक की को संपन्न करवाते हैं और शिवाजी को इस अवसर पर मराठा छत्रपति है की उपाधि है वो दी जाती है। लेकिन बाद में आप देखते हैं कि शिवाजी की मदर जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो शिवाजी है वो दोबारा है 4 जून 1674 को है वो अपना तांत्रिक विधि से वो राज्याभिषेक है वो करवाते हैं। इस तरह से शिवाजी का दो बार राज्याभिषेक होता है, एक 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 16 जून 1674 को और एक 4 अक्टूबर 1674 को होता है। और फिर 1674 से लेकर के 1680 तक है वो कि मध्य शिवाजी है वो एक प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर एक स्वतंत्र राज्य जो उनका स्वप्न था शुरू से ही वो स्थापित करने के अंदर वो सफल रहते हैं। और इसके पश्चात जो 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 1674 के अंदर उन्होंने राज्याभिषेक करवाया और ये राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से करवाया इन्होंने शिवाजी ने, तो इसमें बहुत काफ़ी पैसा खर्च हुआ। तो जब काफ़ी पैसा खर्च हुआ तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि पैसा ख़त्म हो गया और तो राजकोष खाली हो गया और शिवाजी को है वो शासन चलाने के लिए सैनिकों को बांटने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो ऐसे स्थिति में शिवाजी वो मुगल सेनापति बहादुर खां का जो शिविर है उसको लूटते हैं और उससे उससे जो धन प्राप्त होता है उसको वो अपने सैनिकों के अंदर है वो को बांट देते हैं, उनका वेतन चुका देते हैं। और इसके पश्चात 1674 में शिवाजी है वो कर्नाटक के जो समृद्ध प्रदेश है उसको दोबारा लूटते हैं। और इसी अभियान के दौरान है 13 अप्रैल 1680 को है 53 वर्ष की अवस्था के अंदर है आयु के अंदर है शिवाजी की है वो कर्नाटक अभियान के दौरान ही वो मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार शिवाजी ने किस प्रकार है वो औरंगजेब के साथ संघर्ष किया और किस प्रकार एक जमींदार एक जागीरदार से किस तरह से हैं वो प्रगति करते करते हैं, वो किस प्रकार एक स्वतंत्र मराठा राज्य जो उनकी एक स्वप्न था उसको वो एक साकार कर लेते हैं दक्षिण के अंदर है, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के अंदर है वो एक तरह से सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से औरंगजेब इसके बाद में भी है वो एक तरह से आप जानते हैं कि जो शिवाजी की जो मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में औरंगजेब और मराठों के बीच में जो संघर्ष समाप्त नहीं होता है, उसके बाद में भी मराठों का संघर्ष है वो जारी रहता है। उसके बाद में संभाजी बनते हैं, संभाजी है, फिर राजा राम है, ताराबाई है, तो उसके नेतृत्व के अंदर है 1707 तक ताराबाई है वो रहती है और औरंगजेब की 1707 में बुरहानपुर के अंदर दक्षिण के अभियान के वक्त ही है वो किस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है
तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि उनका संघर्ष बाद में ताराबाई तक है, वो रहता है औरंगजेब का, उसके बाद में लेटर मुगल्स के अंदर भी मराठों के साथ है वो संघर्ष चलता है, और किस प्रकार उस समय जो पेशवाज हैं बालाजी विश्वनाथ है, जो नौ पेशवाज होते हैं, बाजीराव प्रथम है, बालाजी बाजीराव, माधव नारायण, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधव नारायण, जो बाजीराव सेकंड नाना साहब, इस तरह से जो बहुत पेशवाज के नेतृत्व के अंदर जो जो मराठा जो राज्य किस प्रकार मराठा संघ में परिवर्तित होता है, उसकी हम चर्चा हम करेंगे। तो आज हम इतने शिवाजी के विषय के अंदर हमने चर्चा की, और किस तरह से आपने देखा कि किस तरह से औरंगजेब के लिए है वो एक सिरदर्द बन गया शिवाजी, औरंगजेब ने शिवाजी की शक्ति का एक तरह से गलत आकलन किया, और उस गलत आकलन के कारण से है वो जो 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 शेर जो औरंगजेब है उसको अनेक कठिनाइयों का वो सामना करना पड़ता है, और एक प्रकार से औरंगजेब के लिए दक्षिण है जो नेपोलियन के लिए जिस तरह से स्पेन नासूर सिद्ध हुआ, उसी तरह से औरंगजेब के लिए भी है वो दक्षिण है वो एक तरह से नासूर सिद्ध होता है, वो शिवाजी की शक्ति का दमन करने के अंदर एक प्रकार से असफल रहता है। तो हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण नीति है वो एक प्रकार से असफल है वो रहती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।